इनके जो इतने जोर से जाएगा वो पूरा हो जाएगा। इतना चलने को हो भाई तुम इधर आ जाओ ना। वेरी बैग बुआ को मेरो ये तेरो सुन अनीता पे अरे बैग ना हेलो मैं क्या है मेरा क्या जन सलाह के चक्षु रुनिता मुझे दस माइल श्री गुरु भी गौर चंद्राय रात काय वैसे झूठो हो हरे कृष्ण आवाज आ रही है तो कहाँ रखनी चाहिए आपने हाँ तो सामने रखो हरे कृष्ण एक बार एक दिन बल्दे को ताल भैया के साथ में अपना ग्वाल वालों के साथ में एक बार करते चला जाते गया चला भी हुए आगे हरे कृष्ण बड़े सुंदर ताल फल आप कभी ताल भुनाए को कभी खाए देखो भी नहीं देखो जो जो पेड़ है ना देखो ये ताल पेड़ ये जो पेड़ है इसका नाम ताल पेड़ कहते हैं इसमें ताल होता है ये क्या है भैया जब इसमें बड़े सुंदर होता है ये ना अभी पूरा चार्ज नहीं हुआ थी सही में इसकी जो ताल फल को तीन चार तरह से ये फल को खाते हैं एक पर जब कच्चा हो उसी समय में इसका अंदर बड़े सुंदर फल निकलता बड़ा मीठा फल है ये एक तरह से खाते हैं जब ये पक जाती है हमारे उधर बड़े सुंदर बड़ा बनाते हैं हाँ जिसको गुलगुला कहते हैं बड़ा सुंदर बड़ा बनाते हैं उसको केक भी बनाते हैं उसको मिठाई भी बनाते हैं उसमें खीर भी बनती है बड़ी ही सुंदर बनता है फिर इसका जब पक जाए उसका अंदर इतने बड़े बड़े बीज निकलेगा उसको थोड़ी सी मिट्टी में बोल दो ना कुछ देर बाद उसको जब काटोगे इतने सुंदर खाने में इतने बढ़िया बड़े सुंदर ताल फल पका हुआ था इसकी सुगंध भी बड़ी दूर दूर तक इसको सुगंध भी जा रही थी इतने में सखाव ने कहा कन्हैया देखो कितने सुंदर ताल फल की खुशबू आ रही है चलो हम ताल फल खा ले जाएंगे किसने कहा सावधान यहाँ पर के गर्दवा शुरू कर सका है ये कंस का बड़ा प्यारा बगीचा यहाँ पर था और यहाँ का बड़े सुंदर ताल पेड़ से जो फल आता है उससे बड़े सुंदर जो शराब होता है ना है जो अलका हल्का तरह का भी चीज बनती है ये बड़ा प्यारा
कंस बड़ा सुंदर उसको ग्रहण करता था, इसलिए यहाँ पर उसका घर फला तो उसको रखवाल करते थे। कोई आता था इंसान उसको सीधा सीधा खा जाता था, बोले वहाँ पर घर फला सुर रहता है, बोले चिंता क्यों करते हो, हमारे साथ कृष्ण बलराम है ना। इसलिए यहीं पर श्री बलदेव प्रभु आए, जो बड़े बड़े जो वृक्ष था उसको हाथ से पकड़ कर जब हिलाए, बड़े सुंदर पके हुए फल थपथप थपथप कर गिरने लग गया। जब गिरने लग गया इतने में आवाज सुनते ही ये गर्धरासुर अपना परिवार को साथ में यहाँ पर रहता था। बोले भैया लगता है कोई इधर आए हैं, ये ताल फल की आवाज कहाँ से आ रहा है। इतने में गर्धरासुर जब आए और कृष्ण बलदेव प्रभु को बड़ी जोर से तुलत लगाए, जब तुलत लगाए इतने में बलदेव प्रभु का पीछे का टांग को पकड़ लिए और उन्हें घुमा घुमा करके उन्होंने ऐसे मारे ताल वृक्ष को करने। एक में तो गर्धरासुर का राम नाम सत्य हो गया और पेड़ में लगते ही ना बड़े सुंदर ताल फल गिरने लग गया। पूरा इसका परिवार यहाँ पर रहते थे, जितना परिवार था सबके सब श्री बलदेव प्रभु सखा गोबर में आक्रमण किया। आक्रमण करते ही कृष्ण बलराम ने सारे गर्धरासुर को बल से समेत उन्होंने खत्म यहीं पर कर दी। इसलिए श्री बलदेव प्रभु जैसे कृष्ण सर्वप्रथम जो राक्षस को मारे, बता सकते हो कृष्ण सबसे पहले कौन सा राक्षस को मारे, कौन बोलेगा हाथ उठाओ। पुतना को मारे, बोले पुतना को क्यों मारे, उसका नाम है पुतना। क्या नाम है इसका मतलब क्या, पुत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं जो अपवित्र है। कृष्ण शिक्षा देते हैं अगर किसने भगवान को अपना हृदय में बैठना चाहते हो पहले अपना अपवित्रता को नष्ट करो, पहले तुम्हारी सारे गंदी की चीज को हटाओ, फिर तो भगवान तुम्हारी हृदय में बैठ सकते हैं। उसी तरह बलदेव प्रभु जो सबसे पहले जो मारे हैं किसको मारे, श्री गर्धरासुर को मारे, धेनुकासुर को मारे। बोलिए धेनुकासुर कौन है, बोलिए अविद्या है, अज्ञान है। हम कहते ना दुनिया के गधे हो, हम कहते हैं कभी गधा काली कहते ना तुम गधा, गधा मतलब होता है एकदम मूर्ख है, एकदम मूर्ख है। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने बड़े सुंदर भजन लिखते हैं, बोले गर्ध भैर मातानी करी परिश्रम कार लागी ए तो करी नाथ तिल भ्रम। इसका मतलब है हम भी संसार में दिन भर गधे जैसे काम करते रहते हैं, इसलिए गधे को पीठ के ऊपर क्या करते हैं, हम लोग देखे हो गधे, कौन कौन गधे देखे हो, सब देखे हो देखना, जो पहाड़ पहाड़ में गधे के ऊपर में दाल चीनी सब्जी सब उसको पीठ के ऊपर लद कर ले जाते हैं, लेकिन उसको कभी एक ग्लास शरबत नहीं खिलाते हैं, कभी एक परठा नहीं खिलाते हैं, कभी उसको कभी साग सब्जी खिलाते हैं, वो क्या खाता है, कोई भूसा ही खाता है, घास भूसा खाएगा, तो उसको कुछ खाने नहीं देते। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते भैया हम भी संसार में ऐसे ही दिन रात परिश्रम करते हैं, बोले कार करी एक तो करी नाभिक लगभग, बोले भैया किसके लिए कर रहे हो, दुनिया में जो कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, एक दिन तो सबको छोड़ना पड़ेगा, संसार छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर और एक कीर्तन में कहते हैं, बोले सही कथा होए संसार बोझा बहिनो आने बहालो, सही कथा होए संसार बोझा बहिनों आने का काल। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हम भी संसार का सारे बोझ प्रभावित होते हैं, हम भी संसार के सारे बोझ वो ढोते हैं। इसलिए भागवत में एक श्लोक में बताए, बोले सोभी बरा वस्त्र खरई संस्कृत पुरुष पशु न जात कर्ण पथ पीत जातु नाम गदागर। बोले जिनको भगवान इंसान का जीवन दिया, लेकिन ये जीवन पा करके जो भगवान की भक्ति नहीं, कानों में ठाकुर को कथा नहीं सुनते हैं, तो उसको क्या उदाहरण दिया, बोले सोभी बरा वस्त्र खरई, खरी मतलब गधा, उसको बोले ये गधा है, ये सुअर कुत्ते और ऊंट है, इसलिए भागवत में उनको गाली दिया है। इसलिए जीवन पाकर क्या करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ठाकुर जी की भजन करनी चाहिए। इसलिए हमारे अंदर में भी एक गाथा पर बैठा हुआ है, बलदेव प्रभु क्या करते हैं, गधा मतलब अज्ञान, ये अज्ञान को गुरु रूप में बलदेव, और विशेष करके जो गधा है ना वो दीप क्या होता है, जिस समय बरसात का समय होता है वो पतला हो जाता है, और जिस समय धूप का समय होता है गर्मी का समय में मोटा हो जाता है। बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण है गर्मी का समय घास नहीं होता है
और कथा घास खाते का घास तो है नहीं, खाते खाते एक मील तक चले जाता है, जा करके पीछे घूम कर देखता है कहाँ से कहाँ तक अपने घास खाए, बाबा रे वहां से यहाँ तक अपने खा लिया वहां क्या मोटा हो जाएगा। लेकिन लेकिन वर्षा का तक समय पतला हो जाता है, बोले क्यों, हरा भरा घास होता है, यहाँ तक वहां तक जाते हैं ना पेट भर जाता है, पीछे बोर्ड तक देखता है कहाँ से कहाँ तक मैंने घास खाए, बोले यहाँ तक पेट भर गया बस तो पतला हो जाता है, वो पतला हो जाता है। क्या इसका मतलब क्या, बोले इसका मतलब है हमारे अंदर में भी एक अहंकार है।